सामाजिक संगठनों ने करियाझर में मनाई ऐतिहासिक दिवाली। 120 परिवारों को वितरित किए गए गृहस्थी के सामान। रीवा से 45 किलोमीटर दूर स्थित करियाझर में रीवा के सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर ऐतिहासिक दिवाली मनाई है, जहां पर 100 परिवारों को उनकी जरूरत का सामान वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नायब तहसीलदार रीवा यतीश शुक्ला, तहसीलदार गुढ़ विनय शर्मा, वद्रिका ग्रुप के चेयरमैन सुनील सिंह एवं जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक प्रवीण पाठक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सभी समाज सेवियों ने मिलकर किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत देवी मंदिर प्रांगण स्थल पर देवी मां की पूजा अर्चना के साथ हुई। तत्पश्चात सभी अतिथियों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा, दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसे सब अपने घरों में मनाते हैं, किंतु रीवा के स्वयंसेवी संस्थाओं और सर्व सामाजिक संगठनों ने मिलकर करियाझर के इस पवित्र स्थान पर यहाँ के जरूरतमंद लोगों के बीच में दीपावली मनाने का जो निर्णय लिया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज के दौर में जब कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, तब इन सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर इन लोगों के बारे में सोचा और इनकी गृहस्थी के जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया है। वास्तव में ये अपने आप में ऐतिहासिक दिवाली है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सभी सामाजिक संगठन जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम में 100 परिवारों को सभी घरेलू सामग्री वितरित की गई, जिससे उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। जिन संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई, उसमें से वेनसिन हेल्पिंग हैंड्स, लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी, आविष्कार फाउंडेशन, सुदिशा फाउंडेशन, प्रयास सेवा संस्थान, अभ्युदय उपकार फाउंडेशन, विघ्नहर्ता सेवा संस्थान, अन्वेष फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।